दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में प्रदेश के आम नागरिकों के रूप में कई क्रांतिकारी कार्य किए, जिसके कारण पूरे प्रदेश की जनता में आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास स्थापित हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला उत्थान, ऐसे कई कार्य जो मध्यम वर्गीय एवं गरीब तबके के लोगों को सीधे सीधे लाभ पहुँचाते हैं, उनके हित का कार्य केजरीवाल ने बढ़ चढ़ कर किया। यही कारण है कि मात्र 10 वर्ष की अवधि में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो पाया है। यह बात आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने स्थानीय बस स्टैंड पर आम जन को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी मनजिंदर सिंह लालपुरा ने संबोधित करते हुए कहा कि आम जन के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर काम अगर किसी ने किया है तो वह अरविंद केजरीवाल ने। भाजपा ने गरीबों के राशन में कटौती कर दी, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस चुपचाप बैठा रहा, इसलिए आम जनता तीसरे विकल्प की ओर उम्मीद लगाए बैठी है, जो आम आदमी पार्टी है। भाजपा को जनता चाहे न चाहे वह विधायक खरीदकर सरकार बना लेती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक लोकतंत्र के बाजार में खड़े होकर भाजपा के हाथों बिक जाते हैं। परिवर्तन के इस दौर में आप सभी से अनुरोध है कि आम आदमी पार्टी को अपना आशीर्वाद जरूर दें, जिसके कारण इस प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला उत्थान का कार्य हो सके और प्रदेश में खुशहाली आ सके। सभा के पूर्व नेताओं के आगमन पर आम आदमी पार्टी नेताओं ने खड़े हनुमान मंदिर से ब्लॉक नागदा खाचरो चेतन परमार के नेतृत्व में वाहन रैली के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों से श्रीमती अग्रवाल व प्रभारी लालपुरा को सभा स्थल तक लाया गया। सभा के पूर्व पंजाब विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा व जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर एकत्रित जन समूह को नेताओं सहित श्री स्वामी हेनरी मजा ने संबोधित किया। संचालन ओम प्रकाश मौर्य ने किया और आभार श्री परमार ने माना। व्यापारी बंधु और सामने उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथी सभी को मैं हाथ जोड़ कर नमस्कार करती हूं और सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूं। आप सबको बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत 2012 में हुई थी और आज 2023 चल रहा है। इन 10 सालों में आप सबका सहयोग, आशीर्वाद और इतना प्यार मिला कि आज आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरी है और एक बदलाव के रूप में, परिवर्तन के रूप में मध्य प्रदेश में आने वाले 2023 का चुनाव आप सबके सहयोग आशीर्वाद से आज लड़ने जा रही है और आप सबका आशीर्वाद सहयोग चाहिए ताकि इस मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की आप सबकी सरकार बने और जो काम दिल्ली में काम हुए हैं, दिल्ली के मॉडल को लेकर, चाहे शिक्षा के रूप में, चाहे स्वास्थ्य, चाहे बिजली, पानी, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, वो काम जो जनता को चाहिए वो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में वो करके दिखाया है और पंजाब में इस काम की शुरुआत हो चुकी है और गुजरात में भी हमारे 5 विधायक हैं और गोवा में भी 2 विधायक हैं और इसकी शुरुआत अब मध्य प्रदेश में होनी चाहिए और इसमें आप सबका सहयोग आशीर्वाद चाहिए। आप सबका सहयोग आशीर्वाद मिलेगा तभी हम सब आप सबका साथ मिल सकता है, क्योंकि ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए आप सबका साथ, सहयोग, आशीर्वाद चाहिए ताकि ये लड़ाई जो परिवर्तन की लड़ाई है, बदलाव की लड़ाई है, भ्रष्टाचार की लड़ाई है, ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ना अच्छे स्कूलों की व्यवस्था है, ना अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना किसान भाइयों को आज हक मिल रहा है, ना अच्छे उद्योग है, ना हमारे जो युवा भाई है दर दर भटक रहे हैं, ना आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम है और ना अच्छी शिक्षा के लिए और ना अच्छे बिजली, पानी, इन सब चीजों की आज मध्य प्रदेश में कोई भी सहयोग और परिवर्तन आज तक नहीं मिला है जनता को जो काम मिलना चाहिए। लेकिन इन सब बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी आई है। आप सबका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तभी ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं। आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी 25 जून को ग्वालियर में महारैली के तहत आ रहे हैं और उनके साथ
गणतंत्र को स्वीकार करिए और 25 जून को आप सब पहुंचिए ताकि जो मध्य प्रदेश में बदलाव हो आप सबका साथ चाहिए। ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार आप सब मिलके साथ दीजिए, जो भी जहां भी आपके सगे हो, संबंधी हो, दोस्त हो, यार हो, उन सबको आप सबको बताना है कि इस बार हम सबको परिवर्तन करना है, क्योंकि आप सबने हमेशा 70-75 सालों से बीजेपी कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार बनी और आप सबने देखा कि किस प्रकार खरीद फरोख्त से बीजेपी की सरकार बन गई, तो आप समझ जाइए कि आपकी वोट की क्या कीमत उन्होंने समझी। इस बार बदलाव लाइए, परिवर्तन लाइए और अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए आप सबको ये परिवर्तन लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, तभी ये संभव है। इसलिए आप सबका साथ चाहिए और ये आम आदमी पार्टी आप सबकी पार्टी है, हम सबकी पार्टी है, गरीब जनता की पार्टी है, तो आप सबका साथ सहयोग और पूरा साथ चाहिए। और जो आने वाला 2023 का चुनाव है हम सब मिलकर लड़ेंगे और हम आमनी पार्टी की यहाँ पे आप सबकी सरकार बनेगी। जिस प्रकार दिल्ली में काम हुआ है वो 5 साल में हम काम यहाँ पे करके दिखाएंगे और एक मौका केजरीवाल जी को दीजिए, क्योंकि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उन्होंने वो काम दिल्ली में पंजाब में किया है। इसी प्रकार इन 5 सालों में हम मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। ज्यादा कुछ न कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबने जो यहाँ पे मान सम्मान दिया उसके लिए हमेशा आप सबकी आभारी रहूंगी और इसी तरह आपकी ये बहन बेटी आप सबके बीच यूं ही आती रहेगी और आप सबका प्यार इसमें हमेशा यूं ही मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।